जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग खूब अच्छे होंगे, खूब प्रसन्न होंगे। साथियों, ये जो आप एक अपडेट पाने जा रहे हैं, ये पेपर लीक से संबंधित मामला है। और पेपर लीक से संबंधित मामले में आपके लिए एक ठो बड़ी सी खुशखबरी, जितने भी अभ्यर्थी जो भी परीक्षा दिए थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, उनके लिए बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खुशखबरी आ रही है उनके लिए कि ये पेपर लीक का मामला जो हो रहा है, ये परीक्षा पूरी तरह से निरस्त कर दी जा रही है। और ये आदेश योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया ही, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी करके इसकी सूचना दी है कि परीक्षा पूरी तरह से निरस्त हो जा रही है। यानी कि इसके विषय में साथियों, अब हम कुछ देर में चर्चा करने वाले हैं। हाँ, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। साथियों, ईको गार्डन में देख रहे होंगे लगातार अभ्यर्थियों का, बीते दिनों से लगातार भीड़ पे भीड़, लगातार विद्यार्थियों की संख्या बिना भोजन पानी के देख रहे हैं, भर्ती बोर्ड हाय हाय, ऐसे तमाम तरीके के नारे लगते रहे हैं, जो कि आप 2-3 दिनों तक इसके गवाह बने होंगे। साथियों, अभ्यर्थियों की लाखों लाख संख्या पहुंची थी इको गार्डन। दूसरी बात, मुझे लगता है आपके भी परिवार में, आपके परिवार में आप स्वयं इस पल के साक्षी रहे होंगे जब आपने हर पल एक एक गतिविधि जाके नजर रखी, कहां पर जा करके इको गार्डन लखनऊ पे। परीक्षा 17-18 तारीख को जो हुई थी, उसी के संबंध की बातें हैं, केवल री एग्जाम की बात को लेकर के सरकार के सामने इतने दिन तक विद्यार्थी बेवजह आंदोलन करना पड़ा उनको। और इसके लिए सरकार के सिर पर अब तक जू नहीं रेंग रही थी, लेकिन देख रहे हैं आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि जितने शिक्षक हो रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के, साथ ही साथ जितने विद्यार्थी हो रहे हैं, वो सारे के सारे मांग कर रहे हैं इस विषय में कि फिर से वैकेंसी यानी फिर से परीक्षा ये वाली कराई जाए। और उसी क्रम में साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसी क्रम में ये बातें सिद्ध हो चुकी हैं। और ये खबर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का ये ट्विटर हैंडल है, जिसमें ये सीएम योगी क्या कह रहे हैं कि यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए जो आयोजित परीक्षा 2023 है, उसको निरस्त कर दिया जाए। यानी परीक्षा निरस्त हुई है और कह रहे हैं आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने का आदेश दिया है। और लिखा है परीक्षाओं की शुचिता से कोई ही समझौता नहीं किया जा सकता। ये किसके हैंडल से बयान आ रहा है? ये योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनके ट्विटर हैंडल से ये बयान जारी हो रहा है, ये जारी हो रही है। लिखा है युवाओं की, इन्होंने आगे लिखा कि युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को किसी प्रकार से दशा में बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरता। अब देखिए, ये दो प्रकार की सूचनाएं हो गई, एक तो ऐसी जो इस बार की वैकेंसी के लिए आ रही, और दूसरी ये योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात को बहुत ध्यान में दे रही है कि किसी प्रकार से इनको बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अभ्यर्थियों की परीक्षा के साथ बेईमानी या धोखा करने का काम किया है, चाहे शासन से जुड़ा हुआ आदमी हो, चाहे वो बाहर का कोई शख्स रहा हो। आगे साथियों, इसी तरह की जानकारी देखिए, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके गृह विभाग ने भी आदेशित किया। लिखा है इसमें कि 17-18 दिनांक फरवरी को जो आपकी परीक्षा हुई, लिखा हुआ पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत क्या हो रहा है, शुचितापूर्ण पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिकोण। मैंने कहा साथियों, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक बिंदु आपके लिए जरूरी है। क्यों नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्या परीक्षा निरस्त हुई है या वैकेंसी ही निरस्त हुई है। इस तरीके की भी भ्रामक सूचनाएं इस समय मार्केट में चल रही हैं, तो आप इनको ध्यान देना है। लिखा है शासन ने भर्ती बोर्ड से क्या कहा, शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके विरुद्ध FIR पहले तो दर्ज कराएं और उसके बाद क्या करें, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यानी उसके पहले कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाए उन लोगों के साथ जिन लोगों ने गलत तरीके की लापरवाही बरती है। लिखा है शासन ने प्रकरण की जांच किससे करवाने की बात की है, STF के द्वारा, जानते होंगे आप लोग, विशेष टास्क फोर्स है ये, इसके द्वारा करवाने की। और दोषी पाए जाने वाले या व्यक्ति या संस्था जो हो रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही भी देने करने का निर्देश दिया है शासन ने। देखिए, बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि 6 महीने का आपको समय, यानी आप करें लगभग कुछ दिन का ऐसा समय दिया जा रहा है कि 6 महीने, अगले 6 महीने के अंतर्गत ये फिर से शुचितापूर्वक यानी बड़े कायदे से परीक्षा संपन्न कराई जाए। और लिखा है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सेवा जो है अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा। देखिए, मज़ेदार बात आपके लिए है, परीक्षा भी 6 महीने के अंतर्गत होगी और आपका ये जो उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम है, यानी जो बसें चलती हैं निःशुल्क, ये अभ्यर्थियों को निःशुल्क परीक्षा उपलब्ध करवाएगी, यानी निःशुल्क यात्रा लेकर जाएगा परीक्षा केंद्र पर, निःशुल्क लेकर लौटेगा। साथियों, तो ये बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। मैंने
फिर कहा जो लोग भी आंदोलन में लगे थे, अब तक चलिए आंदोलन में लगे थे, आंदोलन समाप्त हुआ, आंदोलन यानी आपके पक्ष में निर्णय आ रहा है, अब आपका दायित्व हो रहा है, आपका दायित्व है कि फिर से जो कमियां आपके पास रह गई हैं, जिन कमियों पर आपने काम नहीं कर पाए थे पिछले दिनों में, उन पर काम करिए और आपकी परीक्षा जिससे आने वाली जो परीक्षा हो उसमें आप लोग बढ़िया प्रदर्शन करें और पेपर आपका क्या हो, सिलेक्शन तय हो। साथियों हमने, आप जानते होंगे, बीते दिनों से आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज स्टार्ट की है घटना चक्र पूर्वावलोकन को लेकर के, वो पूरी और पूरी कवर हो जा रही। आगे की जो भी चीज़ें होंगी साथियों, प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बाकी आपकी परीक्षा के संबंध में भी प्रैक्टिस सेट वगैरह करवाए जा रहे हैं। हाँ, आप चैनल से जरूर जुड़िएगा, सारे वीडियोज़ को देखिएगा, खास करके इस समाचार के संबंध में यानी पेपर लीक के संबंध में जो आगे की भी सूचना होगी वो भी आप तक प्रोवाइड कराई जाएगी। हाँ, ऐसी ही खुशखबरी आरओ आरओ वालों के लिए भी भविष्य में आने वाली है, बस आप लोग आंदोलन को स्थगित मत होने दीजिए अपने। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।